हेलो अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय लेक्चर्स आई एम योर पाकिस्तान स्टडीज लेक्चरर मिधत अब्बास स्टूडेंट वी हैव टू एंड टुडे द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर थ्री व्हिच इज लैंड एंड एनवायरनमेंट चलिए स्टार्ट करते हैं नाउ हमने कहाँ छोड़ा था हमने छोड़ा था हमने डिस्कस किए थे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टिल क्वेश्चन नंबर फोर अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव से नेम एनी थ्री ग्लेशियर्स लोकेटेड इन पाकिस्तान हमने क्या करना है हमने कोई भी तीन ग्लेशियर्स के नाम बताने हैं पाकिस्तान के सो सियाचीन बाल्टोरो एंड बटूरा दे आर मोर देन दिस मैंने एग्जाम्पल के लिए ये तीन लिखे हैं आप पिछले लेक्चर्स को रिकॉल कीजिए और उनमें से कोई और भी लिख सकते हैं बट यू हैव टू नेम ओनली थ्री द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिकेट एनी टू वे ऑफ सेविंग वाटर फ्रॉम पोल्यूशन अब यहां पर जो की वर्ड है वो है इंडिकेट हमने पॉइंट आउट करनी है कोई टू वेज जिनसे हम वाटर को पोल्यूशन से बचा सकते हैं सो so, सबसे पहली वी शुड करेक्ट आर सेल्फ वी शुड नॉट लिटर नियर वाटर सोर्स किसी भी पानी की सोर्स के पास रिवर हो कनाल हो पौंड हो उसके पास हमें लिटर नहीं करना चाहिए कूड़ा नहीं डालना चाहिए द सेकेंड वुड बी दैट वी नीड टू सेट अप प्लांट्स टू ट्रीट सीवेज ताकि सीवेज जो फैक्ट्री से आती है इट इज नॉट डंप्ड इन टू द रिवर वॉटर डिफाइन द टर्म डिजर्टिफिकेशन हमने डिजर्टिफिकेशन जो टर्म है उसकी डेफिनेशन देनी है याद कीजिए डिजर्टिफिकेशन क्या था यस डिजर्टिफिकेशन वॉज द रिजल्ट ऑफ डिफॉरस्टेशन इसमें वी टॉक अबाउट की जमीन जो है वो बंजर हो जाती है क्यों किस वजह से इधर क्योंकि दरख्त बहुत ज्यादा काटे जाते हैं उसकी वजह से या वाटर शॉर्टेज की वजह से पानी की किल्लत की वजह से

अगली कौन सी थी पेरेनियल कनाल्स एंड देन आफ्टर पेरेनियल कनाल्स वी हैव नॉन पेरेनियल कनाल्स और उसके बाद एंड में वी हैव लिंक कनाल्स अब जरा जल्दी से मेरे साथ रिकॉल तो करें कि इन कनाल्स का फंक्शन क्या था फ्लड कनाल्स फ्लड वाटर को स्टोर करती हैं पेरेनियल कनाल्स सीजनल होती हैं सिर्फ बारिश का पानी इनमें होता है नॉन पेरेनियल थ्रू आउट द ईयर काम करती हैं एंड इनका जो काम होता है वो शॉर्टेज को कवर करना होता है लिंक कनाल्स रिवर सुतलज जो रिवर रावी ये इंडिया से फ्लो करते हैं पाकिस्तान में तो इंडिया ने इनके ऊपर डैम्स बना लिए हुए हैं और वहां से पानी कनाल्स ड्रा कर ली हुई है ताकि पानी वो यूज कर लें सो so, पाकिस्तान में इन रिवर्स में पानी बहुत कम आता है या कभी कभी ड्राई भी हो जाता है सो लिंक कनाल्स वर ड्रॉन फ्रॉम रिवर इंडस जेहलम एंड चिनाब टू गिव वाटर टू रावी एंड सुतलज ताकि उनका जो चैनल है और जिन जगहों पर पानी वो लेके जाते हैं वो लिंक कनाल्स उन तक पहुंचा दें The next question is, what kind of climate change is occurring due to rising Earth's temperature? अब हमने बात करनी है climate change की, which is due to the rising temperature. क्या term है ये? जरा जल्दी से मुझे बताइए. Yes, it is indeed global warming. Global warming क्यों हो रही है? क्योंकि जो ozone layer Earth को cover करती है, उस layer में जगह-जगह सुराख हो रहे हैं, वो जगह-जगह से deplete हो रही है. उसकी वजह से जो हेजेडुअस सन की रेज हैं जो खतरनाक श्वाएं हैं सूरज की वो जमीन तक पहुंच रही हैं और जिसकी वजह से जमीन का अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज कर रहा है अर्थ टेम्परेचर इज राइजिंग अब इस राइजिंग टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आ रहा है इसका इफेक्ट ये आ रहा है कि जो समर्स हैं वो हॉट hot से हॉटेस्ट होते जा रहे हैं उनकी शिद्दत उनकी इंटेंसिटी में इजाफा होता जा रहा है सो समर्स आर एक्चुअली बिकमिंग हॉटर और हॉटेस्ट जहां टेम्परेचर पहले अगर आप देखें प्लेन एरियाज में मैक्सिमम एवरेज टेम्परेचर पाकिस्तान में 40 डिग्री सेल्सियस होता है अगर ऑलरेडी वो 40 है तो अब प्रोबेबली वो 42, 43 होना शुरू हो गया है एंड विंटर्स दे आर बिकमिंग कोल्ड ये इफेक्ट दोनों साइड्स पे आ रहा है ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मी बढ़ रही है लेकिन इट इज जस्ट इंक्रीजिंग द क्लाइमेट लेवल मतलब जो टेम्परेचर है उसको इंटेंसिफाई कर रहा है गर्मी को मजीद गर्म और सर्दी को मजीद सर्द Okay. The next question says write क्वेश्चन टू disadvantages ऑफ deforestation. दरख्त काटने के दो नुकसान कौन से हैंचुरल हैबिटाट नेचुरल हैबिटाट किनका एनिमल्स का और बर्ड्स का इनका जो नेचुरल habitat है एनिमल्स और बर्ड्स का वो डिस्ट्रॉय होता है दूसरी चीज है डिक्रीज द कवर फॉर सॉइल इरोजन सो हम क्या करते हैं सॉयल इरोजन प्रमोट होती है इसके बाद सॉइल इरोजन इज प्रमोटेड आप इसके अलावा भी डिस्कस कर सकते हैं बिकॉज देर आर अदर फैक्टर्स एज वेल क्योंकि डिफोरेस्टेशन से टॉप सॉयल फ्लड के चांसेस, रेन वाटर के टू फ्लड द नियर बाय एरिया वो भी बढ़ जाते हैं सो देर आर अलॉट ऑफ डिस यू कैन डिस्कस एनी टू और राइट डाउन एनी टू नाउ वॉट यू सींग ऑन यूर स्क्रीन आर फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर विच इज मैच कॉलम ए विद कॉलम बी कॉलम ए में आपको कुछ ऑप्शन नजर आ रही है जैसे चाइना पाकिस्तान टर्चमीर एयर पोल्यूशन गवादर एंड एट द एंड रिवर जेहलम कॉलम बी में यू कैन सी अदर ऑप्शन में हम मिल के आंसर लिखेंगे टू क्रॉस मैच कि कौन सी ऑप्शन किसके साथ सही है चाइना पाकिस्तान ऑब्वियसली द इकोनॉमिक कॉरिडोर हाउ केन यू है सी पैक सेकेंड वन बीग टिचमीर Teshmir is in Hindukash. Then third one is air pollution. Air pollution is carbon dioxide and sulphur because air pollution may you talk about pollutants. Fourth one is Gavadar. Gavadar belongs to Balochistan and then last one is River Jhelum. River Jhelum is related to Mangla Dam. So that's how you cross match them and you write down the answer in column C. Then,

फिर आप ये बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो लैंड है इट 58% ऑफ माउंटेन एंड प्लेटोबी फोर टू थर्टी सेवन डिग्रीज नॉर्थ लैटिट्यूड एंड सिक्सटी टू सेवेंटी सेवन डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इज लाइन एंड लॉन्गिट्यूड इज द वर्टिकल लाइन अब जब आप लोकेशन कंप्लीटली पाकिस्तान की बता देंगे देन यू वुड कि पाकिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज कौन से हैं सो वाई डोंट यू जस्ट टेल मी एक्सलेंट नेबरिंग कंट्रीज में सबसे पहले आ जाएगा चाइना देन यू हैव इंडिया देन यू हैव अफगानिस्तान देन यू हैव ईरान सो ये मेजर बॉर्डर शेयरिंग नेबर्स हैं पाकिस्तान के उसके बाद आप डिस्कस करोगे इन इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ पाकिस्तान का रिलेशन उसमें आप ये बात करोगे कि चाइना के साथ कैसा रिलेशन रहा है सिंस इंडिपेंडेंस उसमें आप बात करोगे कि चाइना के साथ जितने भी जैसे सिल्क रूट था जैसे था हाईवे था देन यू टॉक अबाउट जिसमें आप बात करते हो सी पैक विच इज द लेटेस्ट द इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है एंड देन यू टॉक अबाउट के आप बात करते हो कि चाइना के साथ रिलेशनशिप्स हमेशा से अच्छे रहे हैं सो so, आप कंप्लीट डिस्कशन दोगे एक एक इवेंट को लेके चाइना के साथ पाकिस्तान के और आप उसकी सिग्निफिकेंस बयान करोगे प्लस देर इज वन मोर थिंग पाकिस्तान की लोकेशन की इंपॉर्टेंस चाइना के लिए इसलिए भी है क्योंकि पाकिस्तान हैज़ सी पाकिस्तान का जो साउथ रीजन है दैट टच इज सी जैसे कराची मेजर आपका सिटी है उसके साथ आप अपनी ट्रेड रूट की बात करोगे क्योंकि सी रूट इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से सिर्फ चाइना नहीं और भी बहुत सारे कंट्रीज जो है वो पाकिस्तान से अफेक्ट होते हैं देन टॉकिंग अबाउट इंडिया इंडिया के साथ ऑब्वियसली आप डिस्कस करोगे कि ऑब्वियसली डिस्प्यूटेबल रहा है रिलेशनशिप विद इंडिया कश्मीर बीइंग द मेजर इशू लेकिन बॉर्डर शेयरिंग है रावी और सुतलज वो इंडिया से एंटर करते हैं जिसकी वजह से अक्सर इंडिया प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है बट हुआ है व यू गोइंग टू डिस्कस द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान तीसरी आप बात करोगे ईरान और अफगानिस्तान की देन यू टॉक अबाउट सेंट्रल एशियन कंट्रीज एज वेल ये वो कंट्रीज हैं जिनको कहीं से भी जो पानी को टच नहीं करते दे आर ऑल सराउंडेड बाय लैंड तो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस अरेबियन सी के साथ कनेक्ट होने की वजह से बाकी सारी कंट्रीज के लिए ट्रेड वाइज बहुत स्ट्रांग है सो स अब पाकिस्तान की लोकेशन को डिस्क्राइब करके डिफरेंट कंट्रीज के साथ उनको डिस्कस करके इन सबको एक्सप्लेन करोगे नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इन डिटेल क्वेश्चन फीचर्स ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स एक्सप्लेन करने हैं खोल के बयान करने हैं सो दे आर मेजर थ्री जिनको हम टर्म करते हैं माउंटेन रेंजेस प्लेन्स एंड प्लेटो माउंटेन रेंजेस में आगे थ्री जो है वो टाइप्स हैं नदन माउंटेन्स नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स और वेस्टर्न माउंटेन्स दन माउंटेन्स में आप डिस्कस करोगे हिमालय और कराक्रूम आप ये भी बताओगे कि उनकी जो स्टार्टिंग uh, है वो कहाँ से है फिर वो एंटर पाकिस्तान में कहाँ से करते हैं ये सब चीजें हम लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं तो आप वाई डोंट यू जस्ट रिकॉल यूर सेल्फ एंड देन कम बैक देन वंस यू डिस्कस दे आप नार्थ वेस्टर्न माउंटेन्स पे आओ नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स में हिंदूकाश इज द मेजर माउंटेन रीजन फिर वेस्टर्न माउंटेन्स में कोहे सफेद कोहे सलमान वजीरिस्तान देर मैनी ऑफ दैम देन यू कम टू प्लेन्स प्लेन्स में भी आप दो चीजें डिस्कस करते हो जैसे आपने माउंटेन्स में तीन की थी प्लेन्स अपर प्लेन प्लेन एंड लोअर प्लेन एंड देन द कोस्टल प्लेन्स प्लेन्स और डेजर्ट्स भी डिस्कस किए जाते हैं बिकॉज अगर आप लैंड का फीचर देखो तो ये हमवार सतह पर है so हमवार सतह पे होंगे तो बेशक डेजर्ट एरिया हो एरिया ड्राई है लेकिन है तो प्लेन एरिया ना देन यू टॉक अबाउट प्लेटो प्लेटो में पाकिस्तान के रेफरेंस से दो आएंगे बलोचिस्तान एंड पोटवा प्लेटो आप उनकी जो है डिस्कस करोगे फिजिकल फीचर ड्राई लैंड है कोल्ड ज्यादा है जो भी सो यू गोइंग टू डिस्कस दम इन डिटेल उनकी लोकेशन उनकी डिस्क्रिप्शन दे के आप पूरे फिजिकल फीचर एक्सप्लेन करोगे देन कम्स अ थर्ड क्वेश्चन इन हाउ मेनी क्लाइमेटिक रीजन इज पाकिस्तान डिवाइडेड राइट डाउन द डिटेल ऑफ ईच रीजन एंड एलेबोरेट हाउ क्लाइमेट एफेक्ट द ह्यूमन लाइफ अब ये लंबा क्वेश्चन है इसको ब्रेक कर लेते हैं सबसे पहले हम आंसर करते हैं पहला पार्ट पहला पार्ट है हाउ मेनी क्लाइमेटिक रीजन इज पाकिस्तान डिवाइडेड पाकिस्तान में कितने क्लाइमेटिक रीजन है एक्सलेंट आर फोर फोर क्लाइमैटिक रीजन है जिनके नाम है सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल हाई सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल लैंड एंड ट्रॉपिकल कोस्टलैंड ये बताने के बाद राइट डाउन द डिटेल ऑफ इच रीजन अब आपने हर रीजन की डिटेल लिखनी है एंड देन अलैबरेट के वहां का क्लाइमेट ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है अलैबरेट का मतलब है आपने खोल के डिटेल में बयान करना है सो so, अब आप इन चार रीजन्स को ब्रेक करोगे हर एक रीजन को जैसे सब ट्रॉपिकल हाईलैंड की अगर हम बात करें तो सब ट्रॉपिकल हाईलैंड में आपके नदन माउंटेन्स आ जाती हैं आपके आ जाता है सवात आपका आ जाता है कश्मीर वैली आपका आ जाता है ऑल द नदन एरिया सो उनकी इंपॉर्टेंस आती है अब वहां का क्लाइमेट ऑब्वियसली इट्स मोर कोल्ड स्नोफॉल थ्रू आउट द ईयर जो माउंटेन्स हैं दे आर कवर्ड विद स्नो सो आप उनको डिस्कस करोगे उनको बयान करोगे एंड देन यू विल टॉक अबाउट द टेम्परेचर क्योंकि फ्रीजिंग टेम्परेचर होते हैं और समर्स में क्योंकि द ग्लेशियर्स और द स्नो इट स्टार्ट टू मेल्ट तो वो वहाँ का टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर थोड़ा मॉडरेट रखती है देन यू टॉक अबाउट सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल प्लेटो प्लेटो में यू टॉक अबाउट अ प्लेस विच इज स्लाइटली ड्राई क्योंकि यू टॉक अबाउट इससे आप फिजिकल फीचर से रिलेट करते हो इट इज सराउंडेड बाई डेजर्ट एज वेल वहाँ पे माउंटेन्स भी होती हैं सो so आप उस हिसाब से उसकी डिस्क्रिप्शन दे के फिर आप बताते हो कि यहाँ पे क्लाइमेट गर्मी में कितनी शिद्दत है और सर्दी में टेम्परेचर क्या हो जाता है रेनफॉल कितने अमाउंट की है सब ट्रॉपिकल कॉन्टीनेंटल लोलैंड इट द प्लेन्स प्लेन्स की बात करोगे आप अपर इंडस लोअर इंडस रेनफॉल इज अपू वॉइट ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पर ईयर उसके अलावा द समर्स आर हॉट क्योंकि टेम्परेचर एवरेज जो है वो फोर्टी डिग्री सेल्सियस तक जाता है द विटर्स आर कोल्ड सो आप इस तरह इनकी डिटेल दोगे एंड देन ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड ट्रॉपिकल कोस्ट लैंड ह्यूमिड क्योंकि थ्रू आउट द ईयर देर आर सी ब्रिजेज विच आर ग्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी नमी हवा में जो नमी है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा रहती है और जो एवरेज टेम्परेचर है वो थर्टी टू डिग्री सेल्सियस रहता है जब आप इस तरह ये चारों क्लाइमेटिक रीजन एक्सप्लेन कर दोगे और भी डिटेल्स आप इसमें ऐड करना और इसको लिखने के बाद यू हैव टू टेल द इम्पैक्ट ऑफ दिस क्लाइमेट ऑन ह्यूमन लाइफ अब वो आप कैसे बताओगे अगर आप नदन क्लाइमेट की बात कर रहे हो इन दिस कॉन्टिनेंटल हाईलैंड द नदन एरियाज ऑफ पाकिस्तान तो ऑब्वियसली वहां पे सर्दी है वहां के लोग उसी तरह के ऑक्यूपेशन रखते हैं ग्रेजिंग करते हैं उनको गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं एंड देन इन समर्स दे हैव टू मूव अवे फ्रॉम their प्लेस क्योंकि सारी जगह स्नो से कवर कर जाती है तो दे हैव टू मूव अवे उनके ऑक्यूपेशन भी इफेक्ट होती है प्लेटोज में ऑब्वियसली द पीपल डोंट हैव टू मूव उनके वहां के मौसम के अकॉर्डिंगली कपड़े पहनने पड़ते हैं एंड देन उनके जो ऑक्यूपेशन है वो भी उसी तरह इफेक्ट होते हैं जैसे अगर आप प्लेन्स की बात करो तो प्लेन्स में देर इज अबार्डन ऑफ वाटर रिवर बिल्कुल साथ है तो एग्रीकल्चर मेन ऑक्युपेशन है ग्रेजिंग भी होती है हर्ड रेयरिंग भी होती है एनिमल्स को पालते भी हैं सो द क्लाइमेट इफेक्ट द पीपल एंड द वे दे लिव इन दैट सर्टन एरिया कोस्टलैंड में वेन यू टॉक अबाउट कोस्टलैंड फिशिंग मेजर ऑक्यूपेशन है सो so, इसी तरह आप इन चारों को ब्रेक करके डिस्क्राइब करके ये बताओगे कि ये ह्यूमन लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करते हैं सिर्फ पहनावे के हद तक नहीं उनके ऑक्यूपेशन उनके काम के लिहाज से भी जब आप इस तरह ट्रॉपिकल कोस्टलैंड को भी एक्सप्लेन कर देंगे तो यू हैव टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ये जो इम्पैक्ट है इन चारों क्लाइमेटिक रीजन का सिर्फ ह्यूमन लाइफ पे नहीं उनके ऑक्यूपेश भी आपने एक्सप्लेन करना है now the next questions we'll discuss in the next lecture tab tak ke liye, Allah hafiz